अमेरिका में मचा मक्खियों का आतंक, हथियारन मक्खी ने ली कई जाने। अब हरकत में आया अमेरिका, पूरी तैयारी से तोड़े हॉर्नेट के छत्ते। मई में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रही थी, तब अमेरिका पर एक और बिन बुलाए मेहमान का खतरा मंडराया था, जिसने कोरोना के बाद अमेरिका में सबसे अधिक तबाही मचाई। दरअसल अमेरिका के कुछ इलाकों में मधुमक्खी की तरह दिखने वाली एक जानलेवा मक्खी नजर आई, जो मधुमक्खियों के आकार से 5 गुना ज्यादा होती है। और अब आपको बता दें कि अमेरिका की सरकार ने इन मक्खियों के छतों को तोड़ दिया। मक्खियों में लगाए ट्रैकर। अमेरिका में इन मक्खियों को हटाने के लिए काफी कुछ किया गया। अधिकारियों के मुताबिक वाशिंगटन के एंटोमोलॉजिस्ट ने 3 हॉर्नेट पर रेडियो ट्रैकर लगा दिए थे। बाद में जब उन्हें छोड़ा गया तो वाशिंगटन के पास ब्लेन में एक पेड़ पर स्थित अपने घोंसले में घुस गए, जिसके बाद तुरंत वहां पर एक्सपर्ट की टीम पहुंची, जिसके सभी सदस्यों ने प्रोटेक्टिव गियर पहन रखे थे ताकि कोई भी हॉर्नेट उन्हें काट ना सके। इसके बाद उस पेड़ से घोंसले को हटा दिया गया। अब अधिकारी अन्य जगहों पर उनके ठिकानों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में एक पेड़ पर एक्सपर्ट की टीम फुल बॉडी प्रोटेक्टिव गियर पहनकर पहुंची और छत्ते को हटाया। कृषि विभाग के मुताबिक हॉर्नेट को खोजने और उसे हटाने में हफ्तों का वक्त लग जाता है। ये मधुमक्खियों पर तो हमला करती ही है, साथ ही इंसानों को भी अपना निशाना बनाती है। इनका जहर जान लेने के लिए काफी है। हॉर्नेट के काटने से दिल के दौरे का खतरा। इस मक्खी का नाम हॉर्नेट है, जिसके बारे में और भी बातें सामने निकल कर आई हैं, जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि इस कीड़े के डंक में जहर होता है, जिनमें न्यूरोटॉक्सिन होता है। हॉर्नेट के डंक से व्यक्ति को दिल के दौरा पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मधुमक्खी पालन करने वाले कोनराड ने बताया है कि उन्होंने हाल ही में वैंकूवर आइलैंड पर मर्डर हॉर्नेट के हमले का सामना किया। उन्होंने कहा कि उसके काटने पर ऐसा लगा कि मानो मांस के भीतर तक कोई बहुत गर्म सुई चुभोई गई हो। लहूलुहान स्थिति में उन्हें वहां से भागने में सफलता मिली। उनकी किस्मत अच्छी थी कि कई बार काटे जाने के बाद भी वो बच गए। भारी बारिश वाले जंगलों में पाए जाते हॉर्नेट। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये हॉर्नेट एशिया के भारी बारिश और उमस वाले जंगलों में पाई जाती हैं। ये ट्रॉपिकल मौसम जैसे कि वियतनाम जैसे देशों के अनुकूल मानी जाती हैं। इसका अमेरिका में नजर आना काफी आश्चर्यजनक बात है। इनके पंखों का फैलाव 3 इंच से ज्यादा होता है और ये खतरनाक जहर न्यूट्रोकिसन से लैस होती है। चलने में आती दिक्कत। वही माहिरों द्वारा इसको लेकर और भी काफी जानकारी साझी की गई। माहिरों के मुताबिक इस मक्खी के डंक मारने के बाद इसका इलाज संभव है और इंसान उससे ठीक भी हो जाता है, लेकिन ठीक होने के बाद भी चलने में दिक्कत जरूर आती है और पैरों में सूजन भी रहती है। आपको बता दें कि करीब 3 इंच लंबी इस मक्खी को दुनिया की सबसे बड़ी मक्खी माना जाता है। अगर ये मक्खी इंसानों को एक बार से ज्यादा काटे तो उसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से इस मक्खी को हत्यारन मक्खी निकनेम दिया गया है। ये हर साल दुनिया भर में 60 लोगों की इससे जान जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सिख रूप।